गाइज आप देखिए, हम वेज बिरयानी बना रहे हैं। गाइज आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज, और हमारे बिरयानी को देखकर गाइज आप जरूर बनाइएगा, अपने घर में टेस्ट करिएगा। बहुत ही टेस्टी है गाइज, देखने में जितना अच्छा है ना गाइज, उतना ही खाने में टेस्टी है गाइज। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए चलते हैं गाइज, फटाफट हम बना के आपको दिखाते हैं वेज बिरयानी। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? हम उम्मीद करते हैं गाइज आप अच्छे ही होंगे। तो गाइज अनलिमिटेड रेसिपी में आपका स्वागत है। तो गाइज आइए आज हम चलते हैं बिरयानी बनाने। गाइज ये देखिए बिरयानी बनाने के, गाइज हमने चावल को पानी में भिगा कर रखा है। गाइज हमने वेज बिरयानी बनाने के लिए चावल को पानी में भिगा कर रख दिया है गाइज, ताकि ये पकने में आसानी हो। और गाइज यहाँ पर हमने सोयाबीन ले लिया गाइज, सोयाबीन को भी हमने पानी में भिगा लिया है, और ये मटर के दाने को हमने छील लिया है गाइज, आप देख सकते हैं। और गाइज आइए चलते हैं, यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के प्याज ले लिया है गाइज, इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो गाइज अब हम कट करके आपको दिखाते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के मिर्च को भी हमने गाइज ये ऐसे कट कर लिया है। और गाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बिरयानी मसाला है गाइज, वेज बिरयानी मसाला। और गाइज यहाँ कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, और कुछ गाइज हमने ये खड़े हरे मिर्च ले लिए गाइज, इसे हमें ऐसे ही डालना है गाइज। और गाइज यहाँ हमने तेज पत्ते ले लिए हैं, और साबुत खड़े हरे वो रेड मिर्च ले लिए हैं, और कुछ खड़े मसाले साबुत हैं गाइज। तो आइए फटाफट हम इसे बनाकर आपको वेज बिरयानी दिखाते हैं गाइज। अब हम अपने गैस को ऑन कर दिए हैं, और अपने कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो गाइज 1 मिनट तक हम वेट करेंगे, हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी। तो गाइज इसमें हम ऑयल को डालेंगे। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो आइए गाइज अब हम इसमें ऑयल को डाल देते हैं। गाइज ऑयल हमारा 2 बड़े चम्मच तेल है, और हमने कढ़ाई में डाल दिया है, और थोड़ी देर वेट करेंगे गर्म होने के लिए। उसके बाद हम अपने साबुत खड़े मसाले को ऐड करेंगे। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल अच्छे से पक गया है। तो गाइज सबसे पहले हम इसमें साबुत ये 3 खड़े मसाले मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद गाइज हम ये तेज पत्ते को ऐड कर देते हैं, और ये जो हमारे सारे साबुत खड़े मसाले हैं इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं गाइज। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला पकना चालू हो गया है। ये देखिए गाइज अब हमारा जो जीरा खड़े मसाले जो ऐड है ना गाइज, वो चटकना चालू हो गया है। तो गाइज अब हम इसके बाद इसमें गाइज इसमें अब हम कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को ऐड कर देंगे। गाइज हमें इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो गाइज हमारा प्याज जलने लगेगा। तो गाइज हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्याज नरम होना चालू हो गया, ये आप देख सकते हैं गाइज। तो अब आइए गाइज हम अपने ये सोयाबीन को जो भिगा कर रखे थे गाइज, अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज में, और थोड़ी देर गाइज इसे चलाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हमने 1 मिनट के लिए अपने सोयाबीन को अच्छे से भून लिया है। तो गाइज अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच गाइज हल्दी ऐड कर देंगे। गाइज 1 छोटे चम्मच हमने हल्दी को ऐड कर दिया, अब इसे थोड़ी देर ऐसे मिक्स करेंगे ऐसे गाइज, हमें 1 मिनट तक के लिए गाइज इसे हमें मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद गाइज अब हम इसमें जो हमने अपने हरे मटर छीले थे गाइज इसमें ऐड करेंगे। गाइज आप अपने घर में वेज बिरयानी जरूर बनाकर खाइएगा, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और तो गाइज हमने कढ़ाई में मटर को ऐड कर दिया है। तो गाइज इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, मटर और हल्दी सोयाबीन को गाइज। मिक्स करने के बाद गाइज हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा गाइज शेयर करिएगा। तो गाइज अब हम इसे अच्छे से हल्दी और मटर को मिक्स कर दिए गाइज, इसे हम थोड़ी देर के लिए गाइज प्लेट से ढक कर रख देंगे 1 मिनट के लिए गाइज।
गाइस आइए चलते हैं, हमारा एक मिनट हो गया है, प्लेट को खोल कर देखते हैं। ये गाइस देखिए कितना बढ़िया हमारा गाइस सोयाबीन मटर तो गाइस पकी गया है। ये देखिएगा कितने अच्छे से मिक्स हो गया है गाइस। तो अब हम इसमें जो हमने आपको हरी मिर्च दिखाए थे ना गाइस, ये हमें इसे इसमें डाल देने हैं कढ़ाई में। तो गाइस हमें इसे थोड़ी देर चलाना है। और गाइस जो हमने अपने ये चावल धुले थे गाइस, और चावल को भी इसमें ऐड कर देना है। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने चावल को भी कढ़ाई में ऐड कर दिया है। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बिरयानी मसाला लिया है और इसको भी कढ़ाई में डाल देंगे गाइस। गाइस हमें इसे अच्छे से मिलाना है, एक से दो मिनट तक के लिए गाइस अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस अब आइए हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला और चावल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है गाइस। तो गाइस आप लोग बिरयानी बनाते हो गाइस, सबके घर में गाइस अलग अलग बिरयानी बनती है। प्लीज़ गाइस हमारे जैसा बिरयानी आप अपने घर में बनाकर ज़रूर खाइएगा गाइस, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, तभी समझ में आएगा कि हमने बिरयानी कैसे बनाई है। तो गाइस अब हम इसे अच्छे से मिक्स करें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा चावल अच्छे से भुन चुका है। तो गाइस अभी आइए चलते हैं, इसमें हम एक छोटी गिलास पानी ऐड कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं गाइस, गाइस हमें इसे में एक गिलास पानी और ऐड करना है। गाइस हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि चावल को गाइस हमने पानी में ऑलरेडी पहले ही भिगा के रखा था। तो हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा भाप के साथ पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है गाइस हमारा बिरयानी। तो गाइस अब हम इसमें पानी को भी ऐड कर दिया। तो इसमें गाइस दो छोटे तीन चम्मच गाइस अब हम नमक ऐड करेंगे। गाइस हमने नमक को भी ऐड कर दिया है। गाइस इसी के साथ हमने गाइस ये देसी घी लिया। गाइस आप बटर भी ले सकते हो, कोई लोग रिफाइंड डालते हैं गाइस, बस हमारे पास देसी घी अवेलेबल है तो गाइस हम देसी घी ही डाल देते हैं। तो गाइस हमने देसी घी को भी डाल दिया। तो गाइस हमें इसे ऐसे ही प्लेट से ढककर पकाना है, और स्लो फ्लेम पे ही पकाना है गाइस। तो आइए अब हम पकाकर आपको दिखाते हैं। सॉरी गाइस हमने ये कलर बनाया था, ये कलर आप देख सकते हैं, हमें इसे कलर को ये जगह जगह ही गाइस डालना है। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये हमें ऐसे ताकि गाइस हमारा बिरयानी देखने में बहुत ही सुंदर लगे गाइस। ये आप देख सकते हैं हमने कलर को भी डाल दिया गाइस। अब आइए चलते हैं, इसको प्लेट से ढक देते हैं गाइस। इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। सो गाइस 3 से 4 मिनट हो गया है, आइए देखते हैं हमारी ये वेज बिरयानी कैसी बनी। ये गाइस देखिए कितना बढ़िया हमारी वेज बिरयानी गाइस पक गई। ये देखिए गाइस, ये हरे मिर्च भी गाइस देख सकते हैं आप कितना अच्छा पक गया है गाइस। देखिए गाइस कितना बढ़िया, चावल भी अच्छे से पक गया है गाइस, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम अपने गैस को ऑफ कर देते हैं, और आइए गाइस अब हम इसको सर्व करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी वेज बिरयानी बनकर एकदम रेडी हो गाइस। कितना ये लजीज बना हुआ गाइस देख सकते हैं, कितना टेस्टी है गाइस देख सकते हैं आप, कितना गाइस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा वेज बिरयानी बनकर रेडी हो गया। तो गाइस किसको किसको खाना वेज बिरयानी, प्लीज़ हमारे घर में आ जाइए गाइस, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप अपने घर में वेज बिरयानी बनाकर ज़रूर खाइएगा गाइस, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। ये गाइस देख सकते हैं हमारी वेज बिरयानी बनकर रेडी हो गई है।